वेलकम टू फूड ट्रैली, फूड ट्रैवल लाइफस्टाइल। जैसे आप प्रीवियस ब्लॉग में देखे, हम तावांग के साइट सीइंग करने के लिए निकले हैं और हम पहले गए थे चुकसम विलेज, जहाँ पे 16 सेंचुरी का एक मैन मेड ब्रिज है। बहुत सरियल सा एनवायरनमेंट है, ब्रिज के नीचे चुकसम रिवर जा रही है और सराउंडिंग ग्रीनरी है। कैंपिंग के लिए एक आइडियल सा जगह है। उसके बाद हम 6 दलाई लामा के बर्थ प्लेस गए। उनके अर्ली चाइल्डहुड के बारे में और बुद्धिज़्म के बारे में बहुत जानकारी मिली, विच इज़ फैसिनेटिंग। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमारे लिए नया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय द ब्लॉग। अभी हम पहुंच गए तावांग के बुद्धा स्टेचू के पास। बहुत बड़ा सा बुद्धा स्टेचू आप पीछे देख सकते हैं। बहुत बारिश हो रही है तो हम थोड़ा सोचे कि एक बार कॉफ़ी चाय कुछ पी लिया जाए। सुमित को ठंड लग रही है, उसको कॉफ़ी चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉफ़ी टी स्टेशन है, मतलब यहाँ पे एक चाय का शॉप है। खाने पीने के लिए भी है ऑप्शन, तो थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद बुद्धा स्टेचू देखेंगे। और ये क्यूट सा फ्रेंड, मुझे साइड दे दो। कॉफी हो गया और बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इतना भी ज्यादा नहीं हो रहा है, हो रहा है तो सोचे इसे वेट करने से कुछ तो होगा नहीं, इसे घूम के उसके बाद निकलते हैं। थोड़ा बारिश में भीगने का मजा भी अलग है। बहुत ज़्यादा नहीं भीगेंगे क्योंकि पोंचो वगैरह नहीं डाले, अम्ब्रेला नहीं लाए हैं, तो क्योंकि सुबह पूरा मौसम खुला था तो हमें लगा नहीं बारिश बारिश होगा। तो एनीवे चलिए आपको बुद्धा स्टेचू दिखाते हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध के बर्थ एंड एनलाइटमेंट के जर्नी को पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। इफ़ यू गो थ्रू द पिक्चर्स यू विल गेट द डिटेल्स। जो हम स्कूल में पढ़े थे 10th में 9th में, वो सारे डिटेल यहाँ पे भी है। बहुत अच्छा लगा जान के, और ईच पिक्चर इज़ हैविंग ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। सो थोड़ा टाइम स्पेंड करके पढ़ना चाहिए।
और इसके बाद बारिश बहुत बढ़ गई थी, तो आज का साइट सीइंग हमें यहीं पे ही हॉल्ट करना पड़ा, क्योंकि इस बारिश में जैसे आप देख रहे हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो क्या ट्रैवल करें और क्या एक्सप्लोर करें। तो हम अपना जर्नी यहीं पे हॉल्ट किए और गए लंच के लिए, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़रूरी है। अभी तो हम लंच के बाद देखते हैं, और सुमित और लुपसंग डिस्कशन कर रहे हैं क्या लेंगे। नहीं आपको जो पर हमें तो खाना का कुछ वो नहीं है, वही आप जो खाते हैं वो ऑर्डर। यहाँ पे पहले आप चल रहा है, और ये रेस्टोरेंट का ओवरऑल लुक है। ये प्रॉपर लंच टाइम है तो क्राउड है। आगे हमारा लंच, और ये है चिकन थेंतुक, और ये सूप मोमोज के साथ देते हैं। ये है फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, चिकन मोमोज, चिकन थेंतुक। नाउ टाइम टू टेक इन, चलो हम खाते हैं। आज का डिनर प्लान है मोमोस, और ये लोपसांग पूरे प्रेप में बिजी है। ये क्या है, मतलब इसका लोकल नाम क्या है? मन पत्ता। और आंटी बोल रहे थे कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत रेट टाइम पे मिलता है। इस टाइम पे अभी मिल रहा है, तो हमारे लिए वो लोग मोमोस बना रहे हैं और हम आज एंजॉय करेंगे। और आंटी यहाँ पे किचन में बिजी, और सुमित आराम से बैठ के सिगड़ी का एंजॉयमेंट उसका चल रहा है अपने वो कैट के साथ। और सबसे स्पेशल गेस्ट कुछ तो देख रहा है। हाय, बिजी है वो टर्न भी हो गया। कैमरा उसको पसंद नहीं। हाँ, उसको कैमरा पसंद नहीं। ये स्पेशल गेस्ट है। हाँ, ये स्पेशल गेस्ट है, हमेशा हमें कंपनी देता है। चलिए, देती है। और इतने सारे मियाँ अंदर रखी है ये भी। कल आप लोग छुरपी सब्जी देखा है ना? हाँ, तो ये छुरपी का चटनी खा के देखिए। हाँ, श्योर। सबसे पहले तीन का मोमो बनाएगा। हाँ, अंकल तो पूरा सुपर फास्ट है। याम से अच्छा बना दे रहे थे। हाँ, पूरा परफेक्ट बनाते हैं। रोटी पहले से छोटा से हम रोटी बनाते हैं। ओके ओके। एक्चुअली यहाँ पे इतना प्यार मिला है कि मुझे एक्चुअली वापस जाने का मन नहीं कर रही है। अभी थोड़ा सा ये हो गया ना लेट, ये सब में आंटी तो सुपर फास्ट वो फोल्ड भी कर रहे हैं। मैं एक दिन घर पे मोमो ट्राई की थी आंटी, आधा घंटा लगा एक फोल्ड करने के लिए और वो बना भी नहीं। मनाली में तो वो लोग कर रहे थे, हम थोड़ा ट्राई किए। एक दिन मैं घर पे खुद बना रही थी तो बहुत टाइम लग गया। फाइनली लास्ट के ठीक ठाक बने, स्टार्टिंग में तो पूरा बेकार ही बने। प्रैक्टिस में ही है ना, तो आप तो बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। हाँ, आंटी की बाजू में रखने लायक तो बनाई मैं।
क्या तुम वीडियो करोगे इसीलिए पूरा गंदा हो गया है क्या? इससे तो थोड़ा बेटर ही बन गया। अच्छा हुआ। नहीं ये थोड़ा ज्यादा ही अजीब बन गया। आंटी ने वही कहा कि कुछ भी करे पोटली बनना चाहिए, इसका बाहर नहीं आना चाहिए, तो कुछ भी करो चलेगा। टर्न करो टर्न करो। हाँ वो चला गया उसमें। इतना सुंदर बना है। वाओ टेंशन। क्या चाहिए? वहाँ रखेगा। वहाँ रखेंगे। ओके ओके। वाओ अभी टर्न कर लो टर्न करो। लो करें जीसस। उसका चेयर सेट नहीं हो रहा है। ओके एक्चुअली बहुत अच्छा बना है। ताऊ 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 बोले बोले उसका फट गया वो दुखी हो गया। उसको वो वाला चेयर चाहिए। ओके हमारा मास्टर शेफ है। आप गोले अभी रोक गोले गोले आलू से ये तो सुहाना हो रही थी। तो उच्च भी आता गोले अभी रोक उस ये रोटी खाता हूँ। वो रोटी हो गया। हाँ ये रोटी खाता हूँ। उसका मोमो कौन बनाएगा? मोमो धुमाली शो इन स्टफिंग कौन करेगा? तो वो सिर्फ बेलेगा स्टफिंग। ओके ये याद का चीज है ना। ओके हाँ ठीक है। पल किया तो आज पूरा मास्टर शेफ पूरा पोजीशन में है। याद आया चो सदा। ओके टर्न करो टर्न करो टर्न करो। यस पलटी पलटी पलटी। हाँ वेरी नाइस। हाँ ओके ओके। अखला आप तो पलटी अखला या या तब यस यस चाहिए सब टेंशन के लिए। क्लैप क्लैप क्लैप। तो ऐसे टेंजिन का मोमो देखते देखते शाम कब गुजर गई पता भी नहीं चला। अगली सुबह हमें तावांग से ईटानगर के लिए निकलना था। वो ब्लॉग एक नया वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।